क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिरर है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, और उस मिरर के सामने एक ऑब्जर्वर है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ दौड़ रहा है। ठीक, अब इधर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है पी जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे 10√2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक, हमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक, अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पार्टिकल की वेलोसिटी की कॉम्पोनेंट करो, ये हो जाएगा 10√2 cos 45, cos 45 1/√2 कैंसिल तो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, ऐसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 10√2 sin 45, यहां पे भी √2 कैंसिल तो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई 10 मीटर पर सेकंड इधर और 10 मीटर पर सेकंड वर्टिकल में। ठीक, अब देखो हम जानते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगी, मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल है उसमें कोई चेंज ही नहीं आती, तो इसकी तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वर्टिकल डायरेक्शन वो तो 10 मीटर पर सेकंड वही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वाले को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी, वेलोसिटी ऑफ इमेज वो तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी माइनस का 5 माइनस 5 इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकंड 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस 5। ठीक, ये ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, ये हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 5 वीआई प्लस 5 और ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 5। ठीक, तो वीआई इक्वल टू हो गया हमारा माइनस 15 माइनस 5 माइनस 20 माइनस 20 मीटर पर सेकंड। मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में बताना है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी माइनस 20, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी 10। ठीक ना, ऑब्जर्वर की वही डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आ गई माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, इसे जाओ तो हॉरिजॉन्टल लिख लो IH, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक ना, ये कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में तो कोई चेंज आएगा ही, ऑब्जर्वर भी सीधा ही दौड़ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में भी कोई रिलेटिव लगेगा नहीं, किसमें, वर्टिकल वाले में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो लिखूंगा मैं माइनस 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर इसके डायरेक्शन की बात हो, अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये 30 और ये 10 पैरेललोग्राम थ्योरम बना दो, मतलब पैरेललोग्राम बना दो, ये एंगल मान लेते थीटा, तो थीटा इक्वल टू 10/3 ना, तो 10 थीटा इक्वल टू 10/30, तो थीटा इक्वल टू 10 inverse 1/3। क्लियर है, हमें कुछ नहीं करना, वेलोसिटी ऑफ इमेज के जो भी वेक्टर कंपोनेंट दे रखा है उसे उसी तरह ड्रॉ कर दो, ये माइनस 30 है तो माइनस इधर 30 और प्लस 10 है तो प्लस 10 ऊपर, और पैरेललोग्राम बना दो, पैरेललोग्राम से ये नेट हो जाएगी वी नेट, और 10 थीटा इक्वल टू लगा दो, अगर ये 10 तो ये भी 10 और ये तो 30 है, तो 10/30 10 थीटा हो गया। ठीक ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हो गई और ये उसकी डायरेक्शन हो गई।